क्योंकि ह्यूमन साइकी, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, यही आपका सब्जेक्ट था. कोई गिल्ट? विद टाइम आई हैव लर्नड कि सेल्फ फॉरगिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जानबूझ के कर रहे होते हैं. हाँ, उसके लिए आपको ज़रूर जो है अपना अपने आप को ब्लेम करना चाहिए और फिर उन एक्शंस को फिक्स करना चाहिए. और अगर कोई इंसान है तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, या कोई चीज़ आपने ख़राब की है तो उसको आपको फिक्स करने की, फिर उसके बाद रियलाइजेशन के बाद जितनी आपको आप समझती हैं कि माफ़ी मांगने से या रिपेंटेंस का इजहार करने से गिल्ट में कमी होती है? ओन करना इज अ डिफरेंट थिंग, अगले से माफ़ी मांगना इज डिफरेंट, एंड देन उस पर कंसिस्टेंटली रिपेंट करना इज अ डिफरेंट. वो सो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, व्हाटएवर मेक्स यू फील बेटर, बट अदर देन दैट जो चीज़ें आपसे अनइंटेंशनली हुई हैं, लोग उस चीज़ का भी बहुत गिल्ट लेते हैं और अपने आप को यू नो एक उसमें एक डार्क फेज में लेके चले जाते हैं कि ओ मेरी वजह से या काश मैंने ऐसा नहीं किया होता. तो वो चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी चाहिए कि आपका कंट्रोल नहीं था. तो आप अपने आप को ब्लेम ना करो, वो बस जो नेचर की तरफ से हो गई वो फिर वैसी होनी थी और उसमें कोई ना कोई बेहतरी. कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें जिससे आप समझती हैं कि भाई लोग सीख सकें? एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ब्लेम करती थी फॉर द थिंग्स आई वर नॉट इन माई कंट्रोल, बट देन विद टाइम I realized through therapy and through a lot of you know different mediums that those things were actually never in my control. Mm-hmm. So when it's very important for you to you know sit down with yourself and reflect back on the things that went wrong and see ki aapki kahan galti thi aur kahan aapke paas actually uske alawa koi aur choice hi nahi thi. So yeah. के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट यशमा गिल की जिंदगी का? जिस दिन मैंने अपना पहला उमरा किया था. सो आई वाज वेरी हैप्पी. माय और मेरा पहली जो नजर थी, हाँ, जो काबे पे जब माशाल्लाह. कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा गमगीन कर देती है यशमा को? आई कैन नॉट टॉलरेट एनिमल अब्यूज. सो या दैट इज समथिंग दैट हिट्स रियली हार्ड. कोई खास ऐसा इंसिडेंट किसी जानवर के हवाले से? आई वुडंट वांट टू टैप इनटू दोस मेमोरीज, बट जस्ट एनिमल रिलेटेड इश्यूज. अच्छा ठीक. कोई ऐसी चीज है जो आपको अभी भी यानी के तकलीफ देती है? ओह वेरी सैड, वेरी सैड. कोई ऐसा ख्वाब जो आप समझती हैं कि भाई अब बहुत कुछ अचीव किया मैंने, अब बहुत कुछ अचीव करूंगी भी, मगर उस ख्वाब के पूरे होने की उम्र चली गई, वो अचीव नहीं हो सकता? OCSS करना था. अच्छा, अभी आप बनना चाहती थी या आपके वालिदैन में से किसी? अब्बू को काफी शौक था, बट देन यू नो मुझे भी एक टाइम पे जाके आई वाज लाइक हां आई शुड ट्राई, बट देन. कोई ऐसी चीज सारे सफर में, कोई ऐसा जुमला जो उसने तकलीफ दी हो यशमा को, कि अगर आपने किसी को कुछ समझाना भी, अगर आपको किसी की बात बुरी भी लग रही है, जरूरी नहीं है हर किसी को हर कोई आपकी बात से जो है वो एग्री करे. अगर आपने किसी को कुछ कोई हिदायत देने का आपका आपका वो है, आपकी इंटेंशन है, तो उसका एक आई थिंक अच्छा तरीका भी अच्छा हो सकता है. आप कोई खास स्पेसिफिक जुमला जो आपको याद रहेगा बोल सकते हैं? कमेंट्स तो फिर बेशुमार होते हैं. नहीं तो कोई खास जुमला तो नहीं डर जाता है. हाँ, आप तो पढ़ना ही छोड़ दिए हैं और वो ऐसे जुमले होते हैं कि वो हम बोल भी नहीं सकते. लेकिन आपको तकलीफ होती है कि भाई यही बात जो है, वो जो आपने जैसे कहा भी कि एक कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और क्रिटिसिज्म को आप अदब आदाब के साथ भी, कितनी तकलीफ होती है वो जब आप पढ़ती हैं तो कितना आपकी शख्सियत पे उसके असरात आते हैं? शुरू में ऐसा होता था कि मैं मतलब आई वांट टू लीव वर्क एंड आई वांट टू जस्ट रियली डिलीट माय इंस्टाग्राम, बट देन माय सीनियर्स सैट मी डाउन एंड दे टोल्ड मी कि इट्स ओके एंड इंशाल्लाह विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस एज वेल एंड यू विल ग्रो इमोशनली एंड यू विल बिकम इम्यून टू इट, डोंट वरी. सो बस अब आप इम्यून हो गई हैं, या ये है कि जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटेजी बनाई कि पढ़ती नहीं आप? नहीं, कोशिश वैसे मैं करती हूँ कि मैं ना पढ़ूँ. लेकिन अगर कभी पढ़ लिया तो मैं कहती हूँ कि यार आई नो एंड माई अल्लाह नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. तो बस ये बताइए कि किसी तरह से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कॉमेंट जिसने निहाल कर दिया हो? लाइक मेरे अब्बू मेरे काम से पहले इतना वो नहीं होते थे, उनको भी हमारे काम से काफी स्टिग्मास अटैच्ड हैं, तो उनको अच्छा. शुरू में थोड़े से इश्यूज थे, बट जब मैं और अब्बू उमरा कर रहे थे तो काफी लोग जो थे जो उनको स्टोरीज के थ्रू पता चला कि मैं उमरा पे आई हुई हूँ, तो वो कोई सहरी भेज रहा होता था होटल्स ट्रैक करके, कोई इफ्तारी भेज रहा होता था. तो एक फैन थे, उन्होंने मुझे खिलाफ काबा गिफ्ट किया था, तो तब मुझे बाबा ने बोला कि अगर तुम्हें अल्लाह मियां के घर में इतनी इज्जत मिल रही है तो यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट. तो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट. तो आपको लगा कि एक तरह से उन्होंने उनकी एंडोर्समेंट जो है वो आपको मिल गई? तो वालदा ज्यादा खुश होती हैं आपके काम देख के या वालिद? अब दोनों होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. किस काम की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की आप? कौन से ड्रामे की? बेबाक. बेबाक की. और किस पे कहा कि भाई यशमा ये ना किया करो? वो बस ये कहते हैं कि क्यों तुम ये दूसरों पे जुल्म कर रही होती हो, है मेरी बेटी इतनी नेगेटिव तो नहीं है, इतना नेगेटिव क्यों तुम कर रही होती हो? वो मेरी नानू बहुत कॉलर के बोलती हैं मेरी बेटी ऐसी तो नहीं है. मैंने कहा अच्छा नानू कैरेक्टर है यार, रिलैक्स करें.
यशमा हमारा सेगमेंट है गुगली, गुगली तो समझती है ना, चले शुक्र है। अच्छा यशमा, शुरू में ही आपने बड़ी उम्दा, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की बात कर दी, तो आप समझती हैं आप जैसे जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आए हैं और बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, आप लोग देखे जाते हैं, वो नेगेटिव रोल है पॉजिटिव रोल है, इसका मतलब है कि आर्टिस्ट में दम है तो वो देखा जा रहा है ना, तो आपने चेंज की बात की, आप कितना सोचती हैं कि यार ये मीडियम ऐसा है जिसके ज़रिए मैं चेंज ला सकती हूँ या उसमें अपना किरदार अदा कर सकती हूँ? ओके, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई विल शेयर विद यू। एक मैं ड्रामा कर रही थी जिसमें इसी तरह से, मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो तब तक एंडिंग नहीं आई हुई थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्क्रिप्ट आती है तो 19-20 एपिसोड्स आई होती हैं, एंडिंग जो है वो डिस्कस हो रही होती है, तो हम साइन कर देते हैं। मुझे पता चला शूट के दौरान कि जो एंडिंग के कैरेक्टर के नेगेटिव कैरेक्टर था वो ये है कि वो खुदकुशी कर रही है। तो मैंने कहा यार, मतलब आई डोंट वांट टू एंडोर्स सुसाइड ऑन टेलीविजन, बिकॉज बहुत से ऐसे वीक माइंड होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, और वो स्पेशली जब आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी चीज का आप शिकार होते हो, आपके अपने बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है, नेगेटिव सोच होती है, अगर आपसे कुछ गलत हो जाए, और सच में भी अगर कोई इंसान बुरा है तो उसको आप ये लर्निंग दे सकते हो थ्रू यू नो आवर ड्रामाज या टेलीविजन, कि ठीक है यार आपने बुरा किया, आपको एक सबक आया है नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अब आप बदल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप खुद को मार दो। तो मैंने कहा ये मैं, मतलब आई कांट टेक दिस ऑन माई कॉन्शियंस। तो इस तरह से आई थिंक हम एक्टर्स कोशिश करते हैं, हाँ ऑफकोर्स हुआ थोड़ा सा, बिकॉज वो कैरेक्टर की डिमांड ही आई थिंक ये बन रही थी। मैंने अपने एंड पे कोशिश की थी, मैंने, मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में स्टेटस भी लगाया था, मैंने जब परफॉर्मेंस दे दी थी तो एपिसोड आने से पहले मैंने स्टेटस लगा दिया था कि ये मैंने किया तो है लेकिन ये मैसेज मैं एक्चुअली कन्वे करना नहीं चाहती, लेकिन मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर थी और कुछ ऑब्लिगेशंस के अंडर थी। चाची, इनके स्टेटस की वजह से ही लड़कियां रुक गईं और फिर उन्होंने शादी का फैसला किया। शादी तो बहुत खूबसूरत फैसला है। हाँ, तो उन्होंने दुआएं दी कि यशमा तेरा पुलाव पसंद, पता ही नहीं कि ये भी फैसला है। चले अब ये भी दुआएं दें कि मेरी भी हो जाए इंशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, इंशाल्लाह ये वाली खुदकुशी में करना चाहती हूँ। मैं शादी, अगर गुस्ताखी माफ, तो एक बात पूछ, जिससे शादी करना चाहती हैं आप, कैसा होना चाहिए, मतलब क्या उसकी मिस बताया था, बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। नहीं अच्छा तो मैं भी हां, ए घर दे नु पूछया कदे? यार एक मिनट ठहर जा, किसी दी गल बन लेन दिया कर। वैल्यूज वाला आदमी हो, ईमानदार हो। वैल्यूज, वैल्यूज तो मेरी इतनी है कि मैं कह रहा हूं पूरा मोहल्ला में लभदा फिरदा। किसे क्या है, जिसको पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा है उसने जरूर चोरी की होगी। वेल सेड यशमा। तो कैसा होना चाहिए आपके नजर में, क्या उसका दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? आई डोंट नो हिज रियल नेम, बट एक सीरीज है वैम्पायर डायरीज, उनमें एक डेविड का कैरेक्टर है, तो आई थिंक वो, बट वो भी अगेन आई थिंक कैरेक्टर की वजह से, वो तो गलत कैरेक्टर, मगर आपको देखने में अच्छे लगते हैं। द कैरेक्टर वाज सच दैट मे बी द लुक्स आल्सो यू नो फेल्ट अपीलिंग। क्या नाम है उसका? डेमन। डेमन, डेमन, डेमन। लो जी, मैंने रोज डेमन डेमन कहा, मैं कहा मैंने पता नहीं क्या कहते हैं।